तुम चाहती क्या हो? क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? क्या क्या देखने आई हो? कितनी पैक डाउन किए मैंने? अरे बहुत शराब पीता हूँ मैं। अरे क्या वाली हो, तो सामान मेरा पीछे रह गया, जाओ जल्दी जाके लेकर आओ। जाओ कर रही है, किसी की पर्सनल चीज है, अगर उसने देख लिया तो सारी मेहनत का डब्बा गोल। कुछ गलत नहीं है इसमें, इसी के लिए तो आई है। कुछ नहीं होगा, सिर्फ अब्बू के लिए। आप यहां पे क्या कर रही हो? किसने बुलाया आपको यहाँ? मैंने आपको बताया था ना कि बिजी हो। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मेरे पास आपके लिए वक्त नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूं। प्लीज प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, चली जाइए आप यहां से। बेटा तुम ऐसे ऐसे बात करते हैं अपनी अम्मी से? बेटा तमीज लिहाज कुछ है तुम्हें? ये तो मैं तमीज दिखा रहा हूं, वरना अम्मी का दर्जा तो आप बहुत सालों पहले ही खो बैठी है। ऐसे पेश आते हैं बेटा अपनी अम्मी से? हाँ, तुम एक महीने से घर नहीं आए हो, इसलिए तुम्हें तलाश करते हुए मैं यहां तक पहुंची हूं, और तुम ये क्या सजा दे रहे हो बेटा तुम मुझे? अरे सजा तो आपने मुझे दी है, अपने बड़े बच्चे को बचाने के चक्कर में मेरी बलि चढ़ा दी, याद है अम्मी? उसकी जिंदगी तो बचा ली, लेकिन मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी ना आपने। आप बहुत मतलबी हो, आपको बस अपना फायदा दिखाई देता है और कुछ नहीं। और आपके फायदे का मोहरा बना कौन? मैं बना। बड़ा बेटा आपको छोड़ के चला गया तो छोटे बेटे की याद आ गई, नहीं इसी मतलब से आई हो ना आप यहां पे? लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, चले जाइए वापस भोपाल। देख लिया ना आपने कि मैं जिंदा हूं, अगली बार मर भी गया ना तो मुझसे मिलने मत आना, समझ गई? आपके वजह से ना दुनिया के सब रिश्तों से नफरत है मुझे। मुझे आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना, मेरे लिए मेरी अम्मी मर चुकी है। फवाद अशरफ अकेला है और अकेला ही रहेगा। नहीं किसकी बद्दुआ लगी है मेरे घर को कि मेरा बेटा मुझसे अलग हो गया। मैंने कभी भी तुम लोगों के खिलाफ कुछ नहीं किया बेटा, हमेशा तुम्हारा भला चाहा है बेटा नन्हे, मैंने हमेशा तुम्हारा। ये नाम अपनी जुबा पे मत लाइए आप, ये नाम कहने का हक आप खो बैठी है। मेरे लिए आप सिर्फ और सिर्फ रिफत अशरफ है, और मैं आपके लिए फवाद अशरफ, बस समझ गई आप?
कोई रिश्ता नहीं रखना मुझे आपसे। चले जाइए आप यहां से। शोर शराबे की वजह से ज्यादा नहीं सुन पाई, लेकिन ये तो तय है कि पैदाइशी बदतमीज है। जो अपनी मां की इज्जत नहीं करता वो किसी और की रिस्पेक्ट क्या करेगा। इसे अपनी जिंदगी में सब कुछ मिला है, इसलिए इसे अपने अपनों की कदर नहीं है। लेकिन आज कुछ अनलकी ऐसे हैं जिन्हें आज भी अपने अम्मी अब्बू की तलाश है। आज तो इसकी जबान पर शैतान बैठा है। खैर, मैं इतना क्यों सोच रही हूं उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में। लेकिन यही तो लाडर है मेरे अब्बू तक पहुंचने की। इसका बैग मेरे पास है और इसमें उसका आईपैड है। बाबा जी, मैं जो भी कर रही हूँ अपने अब्बू के लिए कर रही हूँ। अगर कुछ गलती होती है तो प्लीज माफ कर देना। वो बेवकूफ लड़की कहाँ गई? ओ शिट, मेरा सामान उसके पास है, कहीं भाग तो नहीं गई। किस गधे के बच्चे ने ये पासवर्ड इन्वेंट किया? अगर इन्वेंट भी किया, दिमाग में आया भी होगा तो खुद तक रखना था। पूरी दुनिया को बताने की क्या जरूरत थी? क्या होगा क्या होगा, मुझे कुछ तो सोच। मुझे तो उसका नाम भी नहीं पता। एरिगेंट? नहीं, लेकिन ये तो इसकी खूबी है जो सिर्फ दूसरे पहचान सकते हैं। मरियम, एंड टाइम पे ही तेरा दिमाग क्यों बंद हो जाता है? कुछ तो सोच यार। CIGET या डबल टी? सिंगल टी होता है या डबल टी होता है यार, कंफ्यूजन। ये देखती हूँ, डबल टी भी देखती हूँ। सारे इल्जामात सही है।